बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त ठीक होंगे। दोस्तों आज हम इस गाड़ी में लगाएंगे GPS, टेंटोनी का डिवाइस है। आज हम टेंटोनी का डिवाइस लगाएंगे और साथ में जो है इसमें डोर सेंसर और टेम्परेचर सेंसर ब्लूटूथ वाला, पक टेक्नोलॉजी का जो ब्लूटूथ वाला सेंसर है वो लगाएंगे। ये गाड़ी है, मैं आपको एक बार गाड़ी दिखा दूँ। ये गाड़ी है, हम जो है इस गाड़ी में GPS लगाएंगे और डोर सेंसर लगाएंगे, टेम्परेचर सेंसर लगाएंगे, टेंटोनी का डिवाइस लगाएंगे। और यहाँ पे जो है ये तलाजा है इसका छोटा सा, जो ये गाड़ी है, मैं आपको दूर से थोड़ा क्लोज करके दिखाता हूँ। ये इसका छोटा सा तलाजा है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर जो है हम टेम्परेचर सेंसर लगाएंगे ये लाइट के साथ में, ठीक है। और यहाँ पे मैं पट्टी लगाऊंगा, इसकी पट्टी लगा के उसके अंदर ये वायर गुजारूंगा, ठीक है। और ये वाली डिवाइस है जो हम लगाएंगे। पहले मैं डिवाइस का रिव्यू करवा देता हूँ आपको कि डिवाइस कौन सी है, कैसे लगानी है और कौन सी वायर किस चीज़ की है। जी दोस्तों, ये डिवाइस है, इसके अंदर ये देखें ये सेंसर है जो टेम्परेचर सेंसर है, ये टेम्परेचर सेंसर है। अब हम ये वाला जो टेम्परेचर सेंसर है इस गाड़ी में लगाएंगे और साथ में ये डिवाइस लगाएंगे। ये ट्रैक डिवाइस है, इसको हम ट्रैकर बोलते हैं, जहाज बोलते हैं, IVL बोलते हैं, GPS बोलते हैं, ये सारे नाम इसी के हैं। यहाँ पे हमने सिम लगा दी इसकी, तो इसके अंदर यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, मैं आपको बैटरी दिखा दूँ। ये बैटरी लगी हुई है, ये जो बैटरी का ग्रिप है हम यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पे बैटरी का ग्रिप लग गया। अब हम डिवाइस को वापस फिक्स कर देते हैं सेम। और उसके ऊपर ये कवर लगा देते हैं। ये दोस्तों हमारी डिवाइस जो है ये फिक्स हो गई अब, ठीक है। तो ये डोर सेंसर है, जो डोर सेंसर हम यहाँ पे लगाएंगे, एक साइड ये वाली है, ये जो साइड है हम गेट के साथ लगा देंगे, और ये जो साइड है हम तलाजे के साथ लगा देंगे। ये वायरिंग लगी हुई है इसके साथ, ठीक है। इसकी ये जो रेड वायर है ये मेन है, और साथ में ये वाली जो वायर है डोर सेंसर की है, और ये भी हम डोर सेंसर को लगा सकते हैं, ये दोनों इकट्ठी भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये डोर क्लोज होगा ये आपस में ऐसे टच हो जाएगा। ये 2 इंच के फासले से जो है 1 इंच के फासले से वर्क करता है, ये जो इतना फासला मैं आपको दिखा रहा हूँ इतने फासले से वर्क करता है। अगर हम बिल्कुल साथ में लगा देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये एक दूसरे के साथ में लग लग के टूटने का खतरा हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। तो ये इस वजह से जो है ना इतना फासला रखना चाहिए इसके अंदर। ये मैं जब लगाऊंगा मैं आपको रिव्यू कराऊंगा कि कैसे काम करता है, ठीक है। अब ये इसकी वायरिंग है, ये वाली इसकी मैं वायरिंग बता देता हूँ डिवाइस की जो हमने लगानी है सिंपल। ये रेड वायर है, ये मेन की है, उसके बाद में ये जो ब्लैक वायर है ये ग्राउंड की है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आ गई हमारे पास ये तीसरे नंबर पे वायर डिजिटल इनपुट 3, ये हम लगाएंगे डोर सेंसर को। उसके बाद में ये वाली और ये जो येलो वायर है ये है चाबी स्विच की, बस यही वायरिंग लगानी है हमने। तो बाकी जो वायरिंग है ये जो ब्लू वायर, ये जामनी वायर है, ये वाली हम उसको लगाते हैं इमोबिलाइजर को, जिसको हम रिले कटअप बोलते हैं ना, कटअप के साथ में ये वायरिंग लगाते हैं। बाकी अगर किसी दोस्त को ये वायरिंग पूछनी हो तो कोई भी डायग्राम, तो आप मुझे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने इसका लिंक दिया होगा दूसरी वीडियो का, वो भी देख सकते हैं। अगर फिर भी उस वीडियो को देख के ना समझ आए तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह कमेंट्स के अंदर मैं आपको जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगा। ये हम बस इतनी ही वायरिंग लगाएंगे। अब ये जो सेंसर है ये ब्लूटूथ के साथ अटैच होता है, ये मैं आप ओपन करने का तरीका आपको बता देता हूँ कि इसको ओपन कैसे करते हैं। अभी ये मेरा मोबाइल है दूसरा, ठीक है, इसके ऊपर हम जो है इस सेंसर को ओपन करेंगे। जी तो दोस्तों यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन आप देख रहे हैं डिवाइस
MANA, ठीक है। ये डिवाइस जो है इसको हम ओपन करते हैं, तो इसके अंदर क्या है कि हम सेंसर, अपने सेंसर की कॉन्फ़िगरेशन ओपन कर सकते हैं, अपने सेंसर का जो है ना सेंसर को ऑन कर सकते हैं। अभी ये देखें, ये अभी मैंने फर्स्ट टाइम डाउनलोड की है, ठीक है। मैंने डिलीट करके डाउनलोड किया ताकि मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको अलाउ कर देना है। अलाउ ऐप कर दिया, उसके बाद में ये कॉन्फ़िगरेटर का आपके सामने यहाँ पर निशान आ रहा है, ये वाला, ठीक है। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर हमारे सामने आ रहा है इनेबल का निशान, ठीक है। आपने क्या करना है, इनेबल पे क्लिक करना है। यहाँ पे इसने जो है सर्चिंग स्टार्ट कर दी है। तो अब हमारे पास ये सेंसर है, अब हम सेंसर को क्या करेंगे, यहाँ पे टच करेंगे। ये देखें, आवाज़ आई होगी आपको, ठीक है। वो थोड़ी लोडिंग हुई है, लोडिंग होने के बाद उसके बाद में फिर जो दोबारा से इनेबल का निशान आएगा आपके सामने, आपने दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर इसने जो है सर्चिंग स्टार्ट कर दी है दोबारा। फिर जो है ना, हमने ये सेंसर जैसे साथ में टच करना है, इसके अंदर से एक आवाज़ आएगी टोन की, उसके बाद में यहाँ पे रेड लाइट आपको नज़र आएगी, आप गौर करना। जैसे सेंसर ऑन होगा उस वक्त रेड लाइट जहाँ पे शो हो जाती है। अभी ये वेट बोल रहा है वेटिंग का, तो शायद इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, दोबारा से चेक करना पड़ेगा। दोबारा हम चेक कर लेते हैं इसको, दोबारा से एप्लीकेशन ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसको अलाउ पे क्लिक कर देते हैं, कॉन्फ़िगरेटर पे क्लिक करते हैं, उसके बाद में इनेबल पे क्लिक करते हैं। जी तो दोस्तों, ये सेंसर अभी ऑन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टैग के अंदर जाएंगे, उसकी टैग सबसे पहले क्यूक लिखा हुआ, उसके बाद टैग लिखा हुआ, उसके बाद में डेटा लिखा हुआ है, डेटा लॉकर के अंदर जाएंगे। डेटा लॉकर के अंदर जाके यहाँ पे हमारे सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे सेट कैलिब्रेशन, इसको ओपन ऑन कर देंगे। उसके बाद में आ रहा है यहाँ पे कैलिब्रेशन डेट, हम इसको ओपन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हमारे सामने लिखा आ रहा है वाई रेट पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद में ये सर्चिंग स्टार्ट कर दी दोबारा से। फिर हम जो है ना सेंसर को एक बार यहाँ पे लगाएंगे, हुआ नहीं, एरर आ गया। ये देखें, अब हो गया, अब हमारे जो सेंसर है इसकी कैलिब्रेशन ऑन हो चुकी है। अब हमारा जो यहाँ पे सेंसर का नंबर लिखा हुआ है ना 5D9, तो अब हम दूसरी जो है एप्लीकेशन ओपन करेंगे, एनआरएफ, यहाँ पे लिखा रहा है एनआरएफ, ये वाली एप्लीकेशन ऑन करेंगे। यहाँ पे जो है ना ये ब्लूटूथ हमें ऑन करना पड़ता है, ये अभी मैं ब्लूटूथ होना और लोकेशन, ये देखिए यहाँ पे ब्लूटूथ और लोकेशन जब आप ऑन कर लेंगे, उसके बाद आपके सामने जितने आपके पास सेंसर होंगे करीब करीब में, तो ये खुद ही सर्च कर लेगी, ठीक है। यहाँ पर लिखा रहा है 5D9, तो ये देखें आपके सामने यहाँ पे इसके अंदर लिखा रहा है 5D9, ठीक है। हम इसके कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारे सामने मैक एड्रेस भी आ गया और दूसरा भी आ गया, ठीक है, ये नंबर भी आ गया। तो ये मैक एड्रेस जो है ये हमने डालना होता है डिवाइस की कैलिब्रेशन जब करते हैं ना, उसके अंदर मैक एड्रेस डालेंगे, उसके बाद में डिवाइस को सेफ टू डिवाइस कर देंगे, तो ये हमारा सेंसर उसके अंदर सेफ हो जाएगा। तो ये हमें टेम्परेचर बताएगा और ह्यूमिडिटी बताएगा। तो अब मैं आपको ये ऊपर जो है पट्टियाँ लगा के लगाता हूँ, और साथ में आपको दिखाता हूँ कि कैसे लगानी है, ड्रिल के साथ रिपते लगा के पट्टी लगाऊंगा, उसके बाद में डोर सेंसर लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो पट्टी है ना इसको नाप करके कट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपने यहाँ पे जो सिल्वर का, ये सिल्वर वाली पट्टी नजर आ रही है ना आपको, आपने यहाँ पे इसके बिल्कुल लेवल पे रखना है, एक शॉक मारना है सेंटर में, यहाँ पे शॉक सामने कर लेना है एक,
फ्राक हमारा जो है ये हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे रिपर डालेंगे। यहाँ पे ये सुराख में जो है ये रिपर डालेंगे हम, और उसके बाद में इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद में ये रिपर गन है, रिपर गन से हम क्या करेंगे यहाँ पे इसके अंदर डाल देंगे, फिर जो है रिपर पक्की कर देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, ये रिपर लग गई अब। तो अब जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक रिपर हम इधर लगा देंगे, लास्ट में एक इधर लगा देंगे यहाँ पे। अभी मैं इधर सॉक कर दिया जी। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गए, ये देखें एक रिपट हमने यहाँ पे लगा दी है और दूसरी रिपट जो है यहाँ पे लगा दी है। अब देख सकते हैं आप, साथ साथ में रिपटें लगा रहा हूँ, ये सारी लग गई हैं। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर वायर डालेंगे, ये देखें ये वायर जो है ये हम इसके अंदर डाल देंगे जी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने वायर डाल दी है, अब हम क्या करेंगे ये पट्टी जो है इसके ऊपर लगा देंगे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे पट्टी लगा रहे हैं हम, यहाँ पे इसका ऊपर जो है कवर लगा देंगे। जैसे ये कवर मुकम्मल करेंगे उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि डोर सेंसर हम कैसे लगाते हैं। जी तो दोस्तों यहाँ पे हम जो है ना फ्राक करेंगे, अब फ्राक करके ये पट्टी लगा देंगे, ये डोर सेंसर लगा देंगे, यहाँ पे डोर सेंसर लगाएंगे जी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक साइड डोर सेंसर की यहाँ पे लगा दी है, दूसरी यहाँ पे लगा दी है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साइड लगा दिया, अब दूसरी साइड जो है इस डोर सेंसर की यहाँ पे हमने लगा दी है, ठीक है। जब हम इसको क्लोज करेंगे ये आधे इंच का फासला रहेगा इसके अंदर और ये वर्क करेगा। डोर क्लोज कर, यहाँ पे आप देख सकते हैं अब डोर क्लोज हो रहा है, ये देखें डोर क्लोज हो गया। अभी आधे इंच का जो है ना इसके अंदर फासला है, फुल क्लोज कर, ये देखें आधे इंच का फासला। अब जो है ये डोर सेंसर जो है वर्क करेगा। यहाँ पे ये देखें ये वायरिंग लगी हुई है, मैं इसके साथ कनेक्शन कर देता हूँ। आगे मैं आपको डिवाइस के कनेक्शन दिखाता हूँ कि कौन से कनेक्शन कैसे किए हैं जी। तो दोस्तों यहाँ पे डोर सेंसर की वायरिंग भी हमने कर दी है, ये देखें ये जो येलो वायर है हमने डिवाइस के साथ जो है ना मेन पर लगाई है, और ये वाली जो ब्लू वायर है ये सेंसर पे जो उधर डिजिटल इनपुट 3 मैंने आपको बताइए उसके साथ लगा दी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ना हमने क्लोज का सेंसर लगा दिया मुकम्मल, तो अब ये पट्टी थोड़ी सी रहेगी, इसको मैं अभी फाइनल कर देता हूँ। ये हमारा अंदर का काम जो है ये फाइनल हो जाएगा, तलाजी के अंदर का सिर्फ एक टेम्परेचर सेंसर बचेगा, वो भी लगा देते हैं जी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हम टेम्परेचर सेंसर लगा देते हैं, ये देखिए ये मैंने एक सुराख कर लिया है, तो अब इसके अंदर दूसरा सुराख करेंगे। यहाँ पे जो है हम इसको रिपर लगा देते हैं और अब जो है हम ये दूसरा सुराख करते हैं, यहाँ पे एक रिपर इधर लगा देंगे, ये रिपर यहाँ पे लगाएंगे और इसको जो है हम टाइट कर देंगे, यहाँ पे फिक्स कर देंगे इसके साथ। जी तो दोस्तों हमारा जो तलाजे के अंदर का काम है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमने डोर सेंसर लगा दिया, यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर लगा दिया, ये वायरिंग मुकम्मल कर दी है हमने, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डिवाइस कैसे लगानी है जी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने डिवाइस कंप्लीट कर दी है, ये मैंने ग्राउंड लगाया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो येलो वायर है ये चाबी स्विच पे लगा दी है जो मैंने आपको बताई थी, और उसके बाद में ये येलो वायर सेंसर की और साथ में रेड वायर जो है डिवाइस की ये मेन पे लगा दी है मोटी वायर के साथ, ठीक है। अब ये हमने डिवाइस लगा दी है, और जो ब्लू वायर मैंने आपको वहाँ पे सेंसर की दिखाई है वो ये देखें आप, ब्लू वायर और डिजिटल इनपुट 3 बिल्कुल वाइट वायर है जो इसके साथ
अटैच कर दिया, अब हमारी डिवाइस जो है कंप्लीट हो गई है। मैं यहाँ पे इसको डिवाइस को फिक्स कर देता हूँ, यहाँ पर ये डिवाइस फिक्स हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं किसी अगली